नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेवल ब्लॉग। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अभी खड़ा हूँ सलोमपुर ज़िले के मार्केट सीमा पंचायत के अंतर्गत एक तालाब है, जिसमें आप देख पाओगे कि जो कमल के जो जड़ें होती है वो यहाँ पर भैया है वो खोद के निकाल रहे हैं। और अभी गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर हाई है, उसके बावजूद यहाँ पर कड़ाके की धूप होने के बावजूद यहाँ पर तालाब के जो पैंदा है वहाँ पर मिट्टी को खोदकर यहाँ पर जो कमल के जो जड़ है वो यहाँ पर निकाली जा रही है भैया के द्वारा। देखो कितना मेहनत का काम है। और ये आपको मैं बता दूँ, ये देखिए, यह शायद आपने सब्ज़ी बना के आपने उपयोग की होगी, खाई होगी, काफ़ी सेहतमंद और काफ़ी टेस्टी होती है, ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है। ये जड़ यहाँ से इस तालाब में, मार्केट सीमा का ये पूरा तालाब है, यहाँ से निकाल कर फिर उदयपुर, सलोमपुर, जो आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ तक ये जो अभी निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये फिर ठेकेदार को देंगे। ठेकेदार पूरे ज़िले में, पूरे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और इधर उधर आपको आसानी से ठेलों पर ये सब्ज़ी मिल जाएगी। इसको, ये पूरा तालाब का पैंदा है ये अभी सूख चुका है और इसकी जो मिट्टी अभी सख्त हो चुकी है, इसके बावजूद यहाँ पर जो लेबर है वो मेहनत कर रहे हैं और खोद खोद के एक एक जो कमल की जड़ है उसको अल सुबह यानी कि सुबह जल्दी से ही निकालने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, अभी ये अभी ताज़ा ताज़ा इन्होंने इस खड्डे से खोद के निकाली है और इसको बाद में धोया जाएगा, धोकर फिर इसका जो गठरी होती है बांध कर ठेकेदार के पास पहुंचा दी जाएगी। वहां पर इसका जो तोल माप होगा, तोल माप करके फिर इनका जो भी पैसा बनता है वो इनको दे दिया जाएगा। और काफ़ी बड़ा तालाब है, ये देखिए गाइस, मेरे बैकग्राउंड में देखो कि आप, काफ़ी बड़ा तालाब है ये। अभी तालाब का जो पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है और पानी सूखने के बाद में इसमें जो कमल के जो जड़ है वो रह गई है और यहाँ पर जो लेबर है वो निकाल रहे। देखो आप गाइस, देखिए काफ़ी बड़ा तालाब है। एक तरफ आप देखोगे कि ये जो करावली खेराड़ जाने वाला मुख्य मार्ग है, इसके किनारे पर एक बहुत ही बड़ा तालाब है, खूबसूरत तालाब है। और यहाँ पर मैं आपको करीब से बताऊँ, यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ पर भाई साहब है वो कमल की जो जड़ है वो निकाल रहे। तो आज आपने कितनी जड़ निकाल ली यहाँ से, कितनी जड़ें निकाल दी आज? 5-6 किलो निकलती है दिन में। 5-6 किलो, तो मतलब क्या लेते भाव लेते हैं ठेकेदार है जो? ठेकेदार तो ठेको लेना 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो। तो गाइस, यहाँ पर जो ये मजदूर निकालते हैं ज़मीन से वो 25 रुपये किलो इनसे खरीदते हैं और आपको अलग से भी बेचने के लिए देते हैं ठेकेदार? हाँ। तो कुल मिला के दिन के कितनी कमाई कर लेते हो आप? 200-300 रुपये किलो। 200-300 रुपये कमा लेते हो। देखो गाइस, काफ़ी मेहनत का काम है। देखो कितनी कड़ी धूप है, टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है और हाथ में एक लोहे का सरिया, इससे ये खोदेंगे और ये जो कमल के फूल के ठीक नीचे, ये देखिए, ये यहाँ पर खोदेंगे और यहाँ से जो भी जड़ें होगी वो यहाँ से निकालेंगे। भाई साहब, तो आपका नाम क्या था? आपका नाम? नाम मेरा नारू। नारू, देखिए ये इन्होंने अभी खींच के ये बाहर निकाली है। इसको ज़्यादा खींचते भी नहीं, ज़्यादा खींचेंगे तो ये अंदर से टूट जाएगी और इसको मिट्टी में ढूंढना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। और एक तरह आप देखोगे ये जो पानी भरा हुआ है, यहाँ पर आपको कमल के जो पौधे होते हैं वो आपको दिख रहे होंगे, सामने देखोगे जहाँ पर ये पानी है वहाँ पर इसके जो पत्ते वो खिल जाते हैं, जहाँ पर सूख जाता है वहाँ पर काफ़ी मुश्किल। आपने कितनी निकाल दी अभी तक जड़? आपने कितनी निकाल ली ये वाली? नहीं देखिए, ये जो मिट्टी यहाँ पर खोदी हुई है और ये इस जगह से ये कमल की जो जड़ है वो निकाली है। ये देखिए यहाँ पर पड़ी हुई है, आपको मैं नज़दीक से बताऊँ, इसको एक बार धोया जाएगा, धोकर फिर इसको ठेकेदार तक पहुँचा दी जाएगी। और ये पूरा तालाब है, अभी
जो कम गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर यहाँ पर अभी तक 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है, जिस कारण यहाँ पर क्या कि पूरा तालाब है वो सूख चुका है। काफ़ी एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ बड़ा तालाब है, ये देखिए। तो भाई साहब, आप कितने बजे तक आ जाते हो यहाँ पर सुबह? सुबह 9 बजे से। मैं तो आज ही आई है। मैंने आज फर्स्ट बार आए। इतने से लेके जाएंगे खाने के लिए। बस खाने के लिए ले जा रहे हो? बेचोगे नहीं? बेचने के लिए नहीं है। अच्छा, सब्जी बनाने के लिए। तो मतलब ठेकेदार कुछ कहेगा तो नहीं? अपने थ्रू कुछ नहीं, यानी कि आपकी जो मेहनत है ये। हाँ, अभी मतलब निकले सब्जी बनाने वास्ते ले जा आज रहा। तो भाई साहब कह रहे हैं कि देखो कोई पाबंदी नहीं है, ये हमारी खुद की मेहनत है और हम निकाल के सब्जी बनाने के लिए ले जा रहे हैं। और अगर आप भी यहाँ से गुजरो तो अगर मेहनत कर पाओ तो आप भी यहाँ से निकाल के ले जा सकते हो भाई साहब। हाँ, ले जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। ठीक है। और देखो इधर और एक हमारे सामने, ये देखो कमल के फूल है, जो सॉरी कमल की जड़ें यहाँ पर निकाल के रखी हुई है। ये पास में एक चिंटी खड़ी हुई है, ये देखिए। तो ये अभी क्या गर्मी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर लेबर कम है, और पहले ही देखो आप देखोगे पूरे पेंदे में खड्डे खोदे हुए हैं, जिससे जो कमल की जड़ें वो निकाल चुके हैं, जो रही खुशी ये निकाल रहे हैं। और भाई साहब है मेरे सामने, इनका भी मैं नाम पूछूंगा। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा प्रकाश नीनामा नाम है। प्रकाश नीनामा? नीमाना? नीनामा। नीनामा, कहाँ रहते हो आप? मैं सराड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, सराड़ी के रहने वाले हो। तो आप कब से ये काम कर रहे हो कमल के जो जड़े निकालने का? वो मेरे को करीब ये नहीं 10 साल के लगभग हो गया। आपको 10 साल हो गए? हाँ, निकालते ये जड़ निकालते। दिन के कितनी कमाई हो जाती है? दिन में 300-350-400 तक हो जाती है। लास्ट 300-400? ज़्यादा मेहनत करोगे 400 तक, यानी कि जितनी मेहनत है उतनी कमाई है कुल मिला के। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी कमाई मिलेगी आपको। आज कितने निकाल दिए आपने? आज तो शाम को काउंटिंग होगा, अभी नहीं है। ये पूरे दिन आज मेहनत करोगे? हाँ, कुल मिला के पूरे दिन मेहनत करेंगे और शाम को होगा। ठीक है। मैंने सुना आपका यूट्यूब चैनल भी है। हाँ, मेरा एक तो चैनल है, गौरी ऑफिशियल के नाम है उसका। क्या नाम है? गौरी ऑफिशियल। देख हमारे दर्शकों, उनको एक बार पूरा डिटेल्स बता दो, ताकि आपका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरे भी सब्सक्राइबर है वो सागवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इधर सिरोही साइड के सब्सक्राइबर है। ठीक है। तो मेरा भी एक चैनल ऑफिशियल एक चैनल है, उसमें 2800 सब्सक्राइबर है। मैं सब गौरी का वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर। फिलहाल आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरा चैनल को सब्सक्राइबर करना। आओ, जिसको गौरी देखने का शौक हो तो गौरी देख सकते हो यू। ठीक है। और उनके मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे 29,000 फॉलोवर है। तो भैया कह रहे हैं कि इनका भी यूट्यूब पर चैनल है, गौरी ऑफिशियल है ना, क्या नाम था? गौरी ऑफिशियल के नाम से चैनल है। उस पर शायद इन्होंने जो आदिवासी परंपरा है गौरी नृत्य है, उसके जो लाइव प्रोग्राम थे वो इनके चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो वहाँ जाकर इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और कुछ पैसे भी कमाएंगे, और साथ में इनका जो चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब करना। ठीक है। और तो सर मैं यू कह रहा था, यहाँ पर कितनी लेबर दिन पर काम करती है इसमें? ये दूसरी तो है कि जो तो सब्जी मतलब खाने के लिए आई है। हाँ, और हम निकालने वाले हैं। अच्छा, आप निकाल के बेचने वाले? हाँ, हम निकाल के बेचने वाले हैं। उसमें है हमारे 10-12 लेबर है सर। ठीक है। हमारे पास ये शायद घाटी का लेबर भी आती है थोड़ी। हाँ, ये पास में जो घाटी है, सराड़ी है ना। हाँ, यहाँ से भी पब्लिक आती होगी यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी आती है। दूसरे आते हैं जो खाने के लिए, बस के लिए, सब्जी के लिए। तो उनके साथ भी थोड़ा सा लिया होगा, लेते हैं कमल की जड़ें, लेते हैं क्या, भाग लेते हैं उनसे। तो गाइस, आपने क्या ये कमल की जड़ की जो सब्जी होती है वो खाई कि नहीं खाई? अगर खाई है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर एक प्यारा सा कमेंट करना। और एक और है हमारे पास में जो निकालने वाला है, इनसे भी मैं बात करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? रोड़ा जी ने। आप कहाँ से आए हो? सराड़ी से। तो आज कितने निकाल लिए कमल के जो जड़ है वो? दिन की निकल जाती है 10 किलो 12 किलो। 10 किलो आप निकाल लेते हो? अकेले हो? अकेला निकाल देते हो? आपके साथ में और भी परिवार होंगे? पूरा परिवार है, हमारे दो लड़की है और हमारी घरवाली भी है। अच्छा,
मिलके 20 जने 20 किलो 25 किलो निकाल देते हैं। यानी कि सब जने मिलके 25 किलो तक आप कमल के जो जड़ है वो निकाल लेते हो? 25 किलो तक निकाल देते हैं। तो इसमें बेचते हो कितना आप? ना बेचते नहीं है, ठेकेदार को देते हैं। सब ठेकेदार को देते? सब ठेकेदार। तो दिन के कितने पैसे कमा लेते हो? सोच लो आप भी तो 25 रुपये किलो के भाव में बेचते हैं, 20 किलो थी 25 किलो निकाल सकते हैं आराम से। यानी कि 1000 रुपये या आप कमा लेते हो दिन के? हाँ बस 5-4 जने हम मिलके। और सब्जी घर पे भी ले जाते होंगे? हाँ, वो खाने के लिए लेनी पड़ती है। क्या बात है, देखो काफ़ी मेहनत का काम है ये, कोई काम आसान नहीं है। लेनी पड़ता है, आसान काम नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी में ये सख्त मिट्टी को खोदना, फिर यहाँ से आपको ये जो कमल के जड़ है वो निकालना कोई मामूली बात नहीं है। और इधर हमारे एक अम्मा जी है, वो भी देखिए इन्होंने एक छाया कर रखी है और इतने ही इन्होंने कमल के जो जड़ है वो निकाल दिए और अभी आराम कर रहे हैं। और इधर देखो कुछ बालिकाएं बैठी हुई है नन्नी मुन्नी, वो भी सारे मम्मी पापा के साथ में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो तालाब का जो पाल है वहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक सीढ़ियाँ बना रखी है और एक यहाँ पर दरगाह भी है, वहाँ पर भी लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। अम्मा आपने कितने निकाल दिए? हाँ 4-5 किला निकाला भाई, कतरी निकाला 4-5 किला। खतरा कमाएगा आज? 150 रुपया भेजा। अच्छा अम्मा जी कह रहे हैं कि 150 रुपया तो मैंने अभी तक कमा लिया, अभी तक पूरा दिन बाकी है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा, उतना पैसा हम कमाएंगे। तो मैं अभी था सलूमबर जिले के मागड़सीमा पंचायत में और यहाँ पर जो तालाब है वहाँ पर जो कमल जड़ निकलने का काम है बखूबी यहाँ पर लोग कर लेते हैं। ज़्यादा तापमान की वजह से तालाब पूरा सूखा हुआ है और मानसून आने से पूर्व यहाँ पर जितने जो कमल के जड़ है वो निकाल दी जाएगी, क्योंकि पानी पड़ने के बाद फिर मुश्किल काम हो जाता है, उससे पहले ये अधिक से अधिक मात्रा में ये जड़े निकाल देंगे। तो सर और कुछ कहना है हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको? सर अभी तो फिलहाल काम कर रहा हूँ, हाँ करते समय मेरे को भी अभी ये यहाँ दूसरा गर्मी का मौसम भी ज़्यादा हो रहा है, हाँ इसलिए कह रहा हूँ ऑडियंस को, हाँ कि भैया का चैनल को सब्सक्राइबर करें। बिल्कुल ज़रूर, और आगे से आगे वीडियो शेयर करें जी, और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल, और साथ छोटा सा कमेंट भी करें। बिल्कुल ज़रूर ज़रूर। तो भैया जी ने बोल दिया कि अगर ये चैनल ये वीडियो आपको कहीं से मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।